हेलो एंड वेलकम टू एग्रीकल्चर आवर सोल्यूशन। दिस इज निखिल कुमार। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पशुओं के दूध दोहने या उतारने की विधि के बारे में। पशुओं का दूध दो तरीके से दोहा या उतारा जाता है। पहला पॉइंट जो है हाथ से, सेकंड पॉइंट है मशीन से। हाथ विधि में दूध को तीन प्रकार से दोहा जाता है। जो मैनुअली आदमी द्वारा या औरत द्वारा जो दूध उतारा जाता है वो तीन प्रकार से उतारा जाता है। पहला विधि जो है अंगूठा दबाकर दूध दोहना, इसको इंग्लिश में नकलिंग और मिल्किंग विद द प्रेशर ऑफ थंब नॉट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और इसका फोटो फिगर है ये अंगूठा दबाकर। इसमें चारों तरफ ये चारों उंगलियाँ रहती है और बीच में टीट के बीच बाहर से अंगूठा रहता है और अंगूठा दबाकर दूध को उतारा जाता है। सेकेंड जो है चुटकी से दूध दोहना, इसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं। फिगर ये है, इसमें टीट को बीच में और किनारे से दो उंगली और बगल से ये साइड से जो अंगूठा है इसको ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये चुटकी विधि से दूध दोहा जाता है। सेकेंड जो है पूर्ण हस्त विधि, इसको फिस्टिंग और फुल हैंड मिल्किंग मेथड बोलते हैं। इसका फिगर ये है कि बीच में टीट्स और चारों उंगलियां जो होती है साइड से और ऊपर से अंगूठा, इस प्रकार इसको दबा के दूध को निकाला जाता है, इसको फोड़ हस्त विधि बोलते हैं। पशुओं में जो होता है ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है दूध निकालने के लिए, और जो दोषपूर्ण विधि है जो सबसे ये है चुटकी विधि और अंगूठा दबाकर। इसमें क्या है कि ये दोनों जो विधि है अंगूठा दबाकर और चुटकी विधि, इसमें पशुओं में थनैला रोग होने की संभावना बढ़ जाते हैं, जिसको इंग्लिश में मेस्टाइटिस बोलते हैं, मेस्टाइटिस डिजीज। और जो चुटकी विधि से दूध जो दोहा जाता है, पशुओं का जो टीट्स यानी थन जो होता है छोटा होता है तो उसमें इसका इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है दूध उतारने के लिए। मशीन से दूध दोहना, मशीन से दूध दोहने की क्रियाविधि यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से बता रहे हैं आप लोगों को। इसमें जो मेन रोल होता है दूध दोहने का वो है वैक्यूम का। मशीन के द्वारा वैक्यूम तैयार किया जाता है पाइपलाइन में और उसी से पशुओं को टीट्स में पहनाया जाता है कुछ इस तरीके से, और मशीन को स्टार्ट किया जाता है, फिर वैक्यूम होगा तो फिर उसी से दूध को खींचते हैं। और मशीन विधि में भी दो प्रकार के मशीन होते हैं, ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक। यानी कि अगर दूध समाप्त हो गया थन से तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा सेंसर के माध्यम से, और कुछ में मैनुअली देखना भी पड़ता है कि दूध अभी कितना परसेंट दे रहा निकल रहा है, तो इस तरीके से मशीन को बंद कर दिया जाता है। और ये गाय का थन है, इसी में मशीन का जो पाइप होता है इसी में लगाया जाता है कप जैसा, और इसी से दूध निकलता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।